प्रधानमंत्री ने कुंभ में डुबकी भी लगाई और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन स्क्रीन पर आई एक तस्वीर ने सभी को हैरान कर दिया। कुंभ स्नान के बाद प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धोते दिखे। उन्होंने एक एक कर सफाई मित्रों के पैर धोए और फिर पैर भी पोछे। चुनावी साल में ये तस्वीर मास्टर स्ट्रोक था। सफाई कर्मचारियों को ये सम्मान देकर प्रधानमंत्री ने बिना कुछ कहे जता दिया कि उनके लिए स्वच्छता के क्या मायने हैं, सफाई के सिपाही के लिए कितना सम्मान है। कुंभ के कर्मयोगियों में साफ सफाई से जुड़े कर्मचारी और स्वच्छाग्रही भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने प्रयासों से कुंभ के विशाल क्षेत्र में हो रही साफ सफाई को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। चुनावी साल है, हर काम को उसी चश्मे से देखा जा रहा है। जाहिर है विपक्षी दलों का भी चश्मा उसी रंग का है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो ट्वीट कर हमलों की झड़ी लगा दी। चुनाव के समय संगम में शाही स्नान करने से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी, जनता से विश्वासघात और सरकारी जुल्म के पाप क्या धुल जाएंगे? नोटबंदी, जीएसटी, जातिवाद, द्वेष और सांप्रदायिकता की मार से त्रस्त लोग क्या बीजेपी को इतनी आसानी से माफ कर देंगे? बाकी विपक्ष भी पीएम के कुंभ स्नान पर तंज कसने से पीछे नहीं रहे। और राजनीति में ये सब होता है। चुनाव करीब है, 5 साल तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा जो कल देखा। तो जब 5 साल ऐसा नहीं हुआ है पिछले, तो इस बात का भी कोई भरोसा नहीं मानेगा। मैं समझता हूँ कि धार्मिक कार्य था, उसे व्यक्तिगत रखना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है उससे तो लगता है नियत धर्म की नहीं थी बल्कि प्रचार प्रसार की जाता था। हर किसी की अपनी आस्था है, अपनी सोच है और हर आजाद नागरिक को इसे मानने का अधिकार भी है, लेकिन सियासत की अपनी सोच होती है, अपनी आंखें होती है, अपनी आवाज होती है।